गरीबा खातर वोट ले रहा बे बेच दो आवे हां वो कम सुनाई ई मर जुड़ाई क्या तने होंदी हां लुगाली क्या नाम है जी आपका मेन का नाम है जी मेरा आप जयपाल की क्या लगते हो जी मैं उनकी लड़की हूं देखो जयपाल आपके पिताजी हैं बता जरा किसी के क्या कुछ करने गए थे क्या कुछ मामला थोड़ा बता सकते हो जो मेरे पिताजी हैं वो गांव में है एक दलेल नाम का जो जमींदार है उसके खेतों में काम करते थे बहुत लंबे समय से लगे हुए थे 27 जून से लगे हुए थे वो उनके खेतों में और जिस तरह सुबह जाते थे 7 बजे 7 बजे का बाद वो 9-10 बजे आते थे घर पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह अगर कोई भी मजदूर है उसका एक टाइम फिक्स होता है जिस तरह 7 से 5 या 8 से 6 बजे तक बस इस इतने समय तक ही मजदूरी इतने समय तक काम करने का सरकार ने वो जो नियम बना रखा है हाँ वो 9-10 बजे बल्कि कभी कभी तो 11 भी बज जाते थे वो है ना मतलब टाइम से ज्यादा काम लेते थे सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हनी मेरे पिताजी को एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे देखो इतने घंटे रहा करते मतलब आजकल इतना जागरूक हो रहा है मतलब परिवार भी कह सके भाई टाइम पाया जी घंटा दो घंटा आगे पाछा अगर आप बता रहे हो 5 के बाद तो 9-10 कह रहे हो 5 घंटे फल तो एक्स्ट्रा आपने कहीं कभी कहा नहीं हाँ मैं हर रोज कहती थी कि पापा आप इतनी लेट क्यों आते हो बल्कि मैं तो यही कहती थी कि वहां जाना छोड़ दो इतनी दूर खेतों में मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा बहुत ज्यादा दूर भी है और इस तरह थोड़ी होता है कि काम 9-10 बजे तक काम थोड़ी होता है खेतों में मेरे पिताजी कहते थे कि 9-10 बजे तक वो उनके खेतों में खाद डालते थे जो धान रोपाई का काम चल रहा है अब ज्यादा देर तक रहने कुछ ज्यादा मजदूरी देते थे नहीं कोई मजदूरी नहीं बस सिर्फ 500 रुपए थी 7 बजे से 9-10 बजे तक काम करते थे वो मतलब एक काम में खतरा करते वैसे भी इंसान भाई वारी तक वहाँ रहता कोई वैसे हुक्का पीना और बैठना उठना हो ना वो कहते उनका यही कहना था कि वो इतनी देर तक काम करते हैं जिस तरह वो जबरदस्ती खाद के कई कट्टे ले आते थे और बोलते थे कि इन्हें डालकर ही घर जाना है मतलब जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती बल्कि एक बार मेरे पिताजी को कुछ काम भी पड़ गया था बीच में और ऐसे बोल रहे थे कि मुझे आज काम है मैं नहीं आ पाऊंगा लेकिन उन्होंने बिल्कुल जोर दिया कि या तो आप आओ या आपकी जगह कोई भी भेजो हमें नहीं पता आप इतना दबाओ आपके पिताजी इतना दबाओ कि मैं क्यों थे उनके कोई आपने कोई पैसा पूसा ले रखा था वैसे दबाव था नहीं सर पैसे पूसे ले रखा था बस दाड़ी पे जाए कर दादी इतना दबाव झेलना कारण बस उनका स्वभाव शांत था जी वो मतलब नरम थे नरम स्वभाव के थे और किसी मतलब काम में मन लगाना ही उनकी सबसे बड़ी खासियत बात थी कोई नहीं घंटा दो घंटे फालतू कर देते हाँ फालतू कर देते थे कोई बात नहीं ऐसे ही करके भी कोई बात नहीं काम का है काम का करके हाँ तो एक बात हो रहा है मतलब ये कब उनकी साथ मतलब ये जो है ये घटना हुई कब किस तारीख की बात है ये 16 जुलाई की बात है 16 जुलाई की सुबह वो 7 बजे से गए थे घर से वो खुद आए थे उनकी मोटरसाइकिल और जो मोटरसाइकिल के पीछे दलेल नाम का जो जमींदार है किस उम्र का है वो होगा 50 पिता की उम्र हाँ मेरे पिता की उम्र का है वो लगभग क्या कह के लेके गए थे वो आए थे बस सुबह आए थे बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं माँ मेरे पापा तो कुछ काम गए हैं अभी कुछ देर में आएंगे फिर उन्होंने कुछ देर इंतजार भी किया फिर मेरे पापा कुछ देर बाद आए बस उन्होंने लस्सी रखी और लस्सी रख कर उसके साथ में चले गए थे उसकी मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के पीछे जो रेडी वगैरह होती है वो लगाई हुई थी और वहां जो गली के बिल्कुल लास्ट में ना रोड पे वहां खड़ी कर रखी थी बहुत इंतजार करके गए वो तो वो सुबह चले गए थे बस शाम को वापस आते थे 9-10 बजे आपने वेट किया हाँ 9-10 बजे तक वो आ लेते थे हमने वेट भी किया हमने 9 बजे फोन भी किया लेकिन फोन का स्विच ऑफ आ रहा था पूरी रात ट्राई किया हमने फोन लेकिन फोन है ना बंद आ रहा था पूरी रात घर से ट्राई करते रहे हाँ पूरी रात दलेल का नंबर नहीं ट्राई किया दलेल का नंबर हमारे पास था ही नहीं दलेल का नंबर मेरे पापा के पास था वो उन्हीं के फोन में था फोन मेरे पापा के पास था घर पर जाके पता नहीं किया उसके अगली सुबह 7 बजे भाई रात को ही नहीं गई क्या भाई 10 बजे आता था बंदा भाई 12 बज गए 1 बज गया थोड़ा परेशानी होगी थी जिस तरह हर रोज 9-10 बजे या 11 बजे तक आ जाते थे तो हमें भी लगा कि कोई बात नहीं अगर 10 बज के 11 हाँ थोड़े 11 बजे तक भी आ जाएंगे वैसे ही काम चल रहा होगा थोड़ा बहुत काम करवाने लगे होंगे एक्स्ट्रा लेकिन 9-10, 11, 12 भी बज गए थे तब तक उनका कोई अता पता नहीं था ना उनका फोन था अगर मेरे पापा का फोन बंद आ रहा था तो दलेल
का फर्ज बनता था कि वो घर पर फोन करके ये बता दे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा आज नहीं आ पाएंगे, काम है, लेकिन उनका भी कोई उनकी तरफ से भी कोई सूचना नहीं आई। अगले दिन सुबह क्या हुआ? फिर अगले दिन सुबह 17 जुलाई को जो मेरा बड़ा भाई है रोहतास, वो उनके घर गया था, उस पर उसके घर पर उसकी घर वाली थी दलेल की, बोला आंटी मेरे पापा, भाई बोला आंटी मेरे पापा नहीं आए न, कल रात से आए नहीं ना, फोन भी मिल रहा, उनका ट्राई भी कर लिया, मेरे जो ताऊ है ना उनका नंबर दे दो आप, अरे या फिर मेरे पापा से बात करवा दो, वो आए क्यों नहीं। उसकी घर वाली का ये कहना था, बोल रही थी कि रात पानी का वार था और सुबह भी पानी का वार, 8 बजे लाइट आएगी, 8 बजे का बाद तुम्हारे पापा आ जाएंगे घर। फिर हमें तो विश्वास हो गया क्यों, कुछ बहुत दिनों से लगे हुए थे, मैं कोई नहीं चल ठीक 8 बजे का बाद आ जाएंगे पानी का वार होगा, लेकिन 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 12 इंतजार करने का बाद भी उनकी कोई ना उनकी उनका कोई मैसेज आया ना उनका घर तक कोई सूचना आई ना दलेल ने कोई सूचना पहुंचाई। मारे फिर किस तरह मतलब फिर खेत में आप गए एक वैसे पता लगा? वैसे ही फोन ट्राई किया, फोन जिस तरह रिंग तो जा रही थी लेकिन दलेल ने उठाया नहीं, दिन में कई बार ट्राई किया, फिर उसने उठाया 3 बजे से, भाई ने बात की थी उसे, बोला अंकल मेरे पापा का ना फोन लग रहा है, ना आपने बात करवाई ना आपने कुछ फोन करके बताया, कहाँ है मेरे पापा से बात करवाओ। वो बोल रहे थे कि बस कुछ दूर है पानी लगा रहे हैं, मैं 5-7 मिनट में बात करवा दूंगा, बोले 5-7 मिनट में। फिर तभी मेरी मम्मी ने फोन ले लिया, मेरी मम्मी बात करने लगी, बोल रहा था कि भाई को बोल रहा था कि ऐसे तो है ना एक बार यहाँ पे आ जा अकेले, तुम्हारे पापा की जो जिस दिन से लगे हैं जब तक की दिहाड़ी मजदूरी का हिसाब किताब करवा लेना और जो बीत गई है उसका खर्चा पानी ले लेना। और फिर हंस दिए इस बात पे ये बोलकर, मतलब बात तो कराई नहीं, मतलब हंसन और लग गया, हंसन और लग गया ऊपर तक ये, और बोल रहे थे कि जिस तरह तुम्हारे पापा का हिसाब किताब ले जाओ दिहाड़ी का और जो बीत गई है उसका खर्चा पानी ले लेना। बीतगी का क्या मतलब? बीतगी का यही मतलब है कि वो यही बताना चाहते थे कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोड वर्ड से बोल रहे थे। हाँ वो और तरीके से बताना चाह रहे थे, ऊपर से हंस भी रहे थे। तो फिर आपको कैसे पता लगा, कितने बजे पता लगा आपको? फिर 3 बजे फोन रेलवे बस कटने वाला था, बस भाई जाने वाला था कि उसके बाद जो मेरे चाचा है उनके पास किसी और का फोन आया, हवा नाम का एक जो मेरे दादा लगते हैं, फिर हवा के पास है जो मतलब एक पंडित है भक्ता पंडित, उसने हवा का पास फोन किया था, हवा ने मेरे चाचा प्रताप सिंह रिपोल्डर उसके पास फोन किया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये घटना होगी है। फिर मेरे चाचा घर पे आए, उसने बताया कि तुम्हारे पापा का ऐसे ऐसे घटना होगी, फिर गए वहां पे, फिर उसके बाद सभी गए वहां पर, जाने का बाद ये बोल रहे हैं कि ये जिस तरह ज्वार थी, ज्वार इस साइड भी ज्वार और उस साइड भी ज्वार में एक खाट थी, उस पर चारपाई उस पर लेट रहे थे, पास में फोन भी रखे और बीड़ी भी रखी, और मेरे पापा की हालत इतनी खराब थी कि उनके गले पे भी निशान है बहुत, और उनकी दोनों बाजू पर भी निशान, और पूरी पूरी बॉडी बिल्कुल ब्लू हो चुकी है, बिल्कुल ब्लू, जिस तरह से बॉडी को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसे बांध कर उसे मारा पीटा गया और जबरदस्ती उनका गला दबाया गया। जो पोस्टमार्टम में खतर लेगी तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई? अब तक तो कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर, नरवाना लेकर गए थे सिविल हॉस्पिटल में, वहां भी कुछ समाधान नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद खानपुर गए हैं, खानपुर से भी फिर आगे रोहतक का पर्चा पीजीआई कल अब तक खेत में गए वो, उसके कुछ बातें हैं ये निकल के जो ले रहे, वो कुछ कह रहा है, वो मौके पे मौके से फरार है, वो आया ही नहीं तब तक, गांव में नहीं है के पता सर, गांव में है, फोन उठा भी नहीं रहा और मौके से भी आपको पूरा शक उन पे? हाँ पूरा ही शक उन पे, उनका खेत में मिला। और अगर सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर हमारे पास कोई मजदूर काम पे लग जाता है बाई चांस उसकी गर्मी के कारण अगर तबीयत भी खराब हो जाती है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है बाई एंड, ये किसी के बस की बात नहीं है, तो सबसे पहला जो है हमारा जिम्मेवारी यही बनती है कि हम उसे हॉस्पिटल में लेकर जाएं और घर वालों को सूचना दे कि ऐसे ऐसे इसके साथ ये घटना होगी, आप तुरंत पहुंचे, सबसे तो बड़ी बात है ना। तो उसने और मारे आदमी आज लग भी नहीं आया कि उसने बताया अखिया घटना भाई मेरे खेत में क्यों करोगी, जब उसका खेत में और किसी ने करी तो बात जो क्यों रहा हो, क्यों लुक रहा हो, सामने नहीं आ रहा हमारे, हमने इंसाफ नहीं मिल रहा हमारे, कोई सुनाई कितने भी नहीं हो रही, किस तरह कार्रवाई चाहिए
आम तनु चाहा उसने सजा मिलनी चाहिए, उसका कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसकी फांसी होनी चाहिए। उसकी भी माँ अच्छा थी, नन्नू को अभी एक तरफ आप घर आ जाएगा, मैं रोटी लेके खेत में जाऊँ, फिर भी कोई सूचना नहीं दी मार तो आज लग बिंदी तीन दिन हो गए अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पर पियला ना हमारे पर लठ बजाड़ना है, कोई पास हमारे पास कौन सा चारा नहीं चल रहा किसे बात का भी, और ना हमारी सरकार सुनवाई कर रही ना हमारा कितने भी। आप मीडिया वाले तीन दिन हो गए मीडिया चलती ना, कितने कोई कार्रवाई नहीं हो रही आपकी भी। तो मामला आपने सारा सुनिया, जोकर सिंधु गांव का है, जयपाल नाम का व्यक्ति किसी के खेत में मजदूरी दिहाड़ी बजा करता भाई, इन्हें परिवार का आरोप भाई तीन दिन मतलब शाम को आ जाता था 10-11-12 एक सुबह का टाइम होगा वापस नहीं आया, अगले दिन 3 बजे तो परिवार को सीधी डायरेक्ट सूचना मिलती है आपके पिता ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए अग भाई, फिर पुलिस वाले ले जाए पोस्टमार्टम खातर, शरीर पर निशान पाए, शरीर पर निशान मिले हैं, शरीर पर गर्दन पर भी निशान है और दोनों बाजू पर भी है, और पूरी पूरी बॉडी है ना वो बिल्कुल ब्लू हो चुकी है और मुट्ठी भी बंद है उनकी, ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ बिल्कुल जबरदस्ती की गई है, तीन चार भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, चोट पेट के निशान है, मारपीट के हैं, जिस तरह घसीट कर ले जाया गया है और जिस तरह रस्से से बांध कर पीटा गया है। और मारे आदमी गए ना मार तो पहला पुलिस आ रही, डॉक्टर आ रहे, हम ना बेरा भी कोनी, उसने बारे बार सारे काम अपने बंदोबस्त कर दिए, डॉक्टर भी आ रहे, पुलिस भी आ रही, मामला सूचना भी कोनी, मार आदमी ओड़ा मरिया पड़ा, उसका इतनी बुरी हालत, और काला हूं और धुमा भरगा फूक के आग जलाया के करया, हमने नून बेरा उसका वो अच्छा, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कुत्ते तो कोई तो सुनता होगा हमारी पुकार ना ऊपर नीचे, ये सरकार कड़ा खत्म होगी सी, गरीब खतर वोट ले रहा बे बेच दो आवे ये मर सुनाई क्या तो नहीं होती तो भाई वीडियो आपने सुन ली भाई, सारा मामला के कुछ था, परिवार के काफी सारे आरोप हैं, मतलब इतना आरोप है एक भाई इस तरह हमारे मजदूर बिगजदा जंदा मतलब टाइम टू टाइम फालतू रखना, और बाद में भाई इसका ढंगा होने के बाद भी हमारे परिवार के पास पहुंचे नहीं, भी इनका परिवार हमारे किसी तरह कोई सुनवाई नहीं, तो वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो, आप पुलिस प्रशासन तक भी अपील करें हाथ जोड़ के भाई दूध का दूध हो पानी का पानी क्या कर दी, इंसाफ मिलना चाहिए परिवार ना, जल्दी जल्दी से जल्दी हो सके तो भाई जितना हो सके वीडियो ने शेयर करो, जय हिंद जय हरियाणा।